तुम सही कह रहे हो, अभय और निर्मला की शादी हो जानी चाहिए। मूर्खो, ये क्या नौटंकी फैला कर रखी है? तुम ही लोग थे ना जिन्होंने भीम और निर्मला को इस स्टॉल से बाहर निकाला था, हा? अब तुम ही लोग इन्हें यहाँ रहने दे रहे हो। कोई नौटंकी नहीं है ये, उस समय भीम की बातों का विरोध कर रही थी ये, और आज इनके अंदर की औरत जाग उठी है, इसलिए निर्मला की पीड़ा को महसूस कर रही है, इसलिए कह रही है। और नरोत्तम जोशी, तुम औरत नहीं हो ना, तो ये बात तुम महसूस नहीं कर सकते। काकी, आप बस इनके सवाल का जवाब दीजिए और सच सच बताइए। किस पत्नी को पति की याद नहीं आती? और एक बार नहीं, हजार बार वो सपने में आए थे। मैंने हाथ पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सपना टूट गया और वो चले गए। काकी सोचिए, 23 सालों से जो सपना आप देख रही हैं, जो कभी पूरा नहीं हो सका, आज निर्मला जी के जीवन में वही सपना सच होने जा रहा है। तो आप क्या चाहती है कि हर एक औरत बस सपने देखती रहे, जो बस टाकने झेले कि वही सब झेले? अब सोचिए ना, 23 साल पहले आपको भी अगर निर्मला जी जैसे मौका मिलता तो आपका क्या फैसला होता? हाँ, मान जाओ, हो जाए तो निर्मला और अभय की शादी। इन सब के बीच में इस बारे में तो सोचा ही नहीं, अब क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए रमा और लक्ष्मी, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कपड़े लेकर आए हैं, रमा और लक्ष्मी हम लोग मिलकर निर्मला को तैयार करेंगे। और हाँ, मैं आप दोनों के लिए भी कपड़े लाई हूँ, आप लोगों के बेटे का विवाह है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलो रमा और लक्ष्मी, हम लोग निर्मला को दुल्हन बनाते हैं। और मैं अभय जी को तैयार होने में मदद करता हूँ। आइए अभय जी। आओ बेटा, आइए। चलिए, ये भी पागल हो गए। हाय, आपके लिए तो सब पागल है, निम्बा और रमा की लड़ाई में उनका जो भी साथ दे वो सब पागल है। लक्ष्मी, आप सब शादी की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको माला, बाला, आज तुमने भीम की रक्षा की, इसके लिए एक बाप होने के नाते धन्यवाद कहना है। भीम सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा भाई भी है, और उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पर कर्तव्य के बदले
धन्यवाद तो नहीं दिया जाता ना। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा सिर्फ छोटा भाई नहीं बल्कि एक पत्नी भी है और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, अपने हर कर्तव्य को निभाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज तुमने इनके लिए जो किया कर्तव्य कम एहसान ज्यादा, और एहसान के बदले धन्यवाद तो बनता है, ये तो तुम भी जानते हो। नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। आपको मुझे सिर्फ जलील करना होता है, कर लिया। कोई भी बाप अपने बेटे को जलील नहीं करना चाहता। मैं बस यही कह रहा हूं, बड़ा और महान व्यक्ति वही बनता है जो पहले खुद के प्रति अच्छा हो, अपने परिवार के प्रति अच्छा हो, और परिवार में पत्नी भी आती है। बाबा मैं ना तो महान हूं और ना ही बनना चाहता हूं, और रही बात मेरी पत्नी की तो उसके साथ मैं जैसे हूं ठीक हूं, आपको उससे क्या मतलब है। आप जाइए अभय और निर्मला की शादी करवाइए। नरोत्तम तुम कैसे भूल गए कि निर्मला तुम्हारी अपनी सगी बहन है। कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसे करता है क्या? बख्श दो उनको, बख्श दो। किसी भाई को अपनी अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या करे। हर बार ये समाज के लोग आते थे और निर्मला को मारने की धमकी देते थे। हर बार मैं ये सोचता था कि उसके प्रति और कठोर बनूंगा, उससे विधवा धर्म का पालन करवाऊंगा उसकी भलाई के लिए। कालिक देख ले, ये काले को उस निर्मला की वजह से हमारे चेहरे पर लगी है। मैंने लगाई है, मैंने अपने चेहरे पर, इन समाज वालों के चेहरे पर, ताकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस काले को साफ करूं, वो मैं करूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है काकी। पांच को खड़ा करके, पुलिस को वहां खड़ा करके क्या शादी कर लोगे? इस बंबई से बाहर चले जाओगे नहीं, इस बंबई से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन करोगे क्या जोशी जी? करूंगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है जो कि आप सब में है नहीं। निर्मला को उसके किए का दंड मिलेगा। बहुत समझाया था उसे, लेकिन उसने अपने ही भाई को अपना दुश्मन समझा। इस बार जीत हमारी होगी, और अगर हमारी जीत नहीं हुई तो आप सबका जूता और मेरा सर। और आज हमें यही साबित करना है। करना क्या है, अच्छी तरह समझ गए ना? ये अच्छे से समझ गए, इस अंगोछे का क्या करना है और इस रस्सी का क्या करना है। निश्चिंत रहिए, वो लोग यहां से नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक समस्या है जोशी जी। मनहूस, अब क्या हुआ? यही जोशी जी, कि अगर उनके साथ भीमराव आया तो? हाँ, और क्या। हाँ,
क्योंकि वो भीमराव रहता है तो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता है। उसकी चिंता मत करो। उसको मैं देख लूंगी। बस मेरी कसम खा के कहो कि निर्मला को जान से नहीं मारोगे और उसे पकड़ के मेरे हवाले कर दोगे। कसम खाता हूँ आई, मैं कसम खाता हूँ कि निर्मला को नहीं मारूंगा, उसे आपके हवाले कर दूंगा। तो फिर तैयारी शुरू करो। हाँ, विदाई हो रही होगी। तुम दोनों को गिफ्ट देकर गाड़ी में बिठा कर स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा दूर है, थोड़ा तेज चलते हैं। कम ऑन। तेरा नाटक जितना सही लगेगा उतनी आसानी से अभय और निर्मला पकड़े जाएंगे। तो जा कर नाटक, जा। अरे गिर कैसे गई आप? क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द के मारे। हाँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब शांत हो जाइए। कोई मुझे अस्पताल तक पहुँचा दो। आप शांत हो जाइए। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। भीम, तुम इसको देखो, मैं इन दोनों को स्टेशन लेके जाता हूँ। ठीक है सर, जाइए जाइए। Fuck!
अभय जी। लोगों ने बहुत गलत किया, अपनी जिद और झूठी शान के कारण मेरी बेटी की जान ले ली। आप लोग हत्यारे हो, निर्दयी हो, कठोर हो। हाँ हूं मैं कठोर, और तुझे भी कठोर बनना पड़ेगा। यदि संतान ऐसी समाज नाशनी पैदा हो जाए तो किसी भी माँ बाप को उसका गला अपने हाथों से दबा देना चाहिए। और याद रखना, अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। चलिए बाबा। अभय जी, अभय जी, अभय जी, वो देखिए। अभय जी, क्या हुआ? अभय जी उठिए। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ इन्हें? अभय जी उठ जाइए, क्या हुआ आपको? ये किसने मारा आपको? निर्मला जी, निर्मला जी, निर्मला जी, निर्मला जी, निर्मला जी, उठिए ना। अभय जी, अभय जी उठिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रमा अस्पताल लेके चलते हैं। आप भी उठाइए, अस्पताल लेके चलते हैं। निर्मला तू जिंदा है? तू ठीक है? सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचे। अभय जी हमारे पास इतना समय नहीं है भीम। शायद तुम दोनों से एक 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 आखिरी आखिरी बार मिलने के लिए हमारी सांसें वापस आई हैं। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। रामा बहुत अंधकार है छाया, समाज की प्रथाओं से चलनी हो गई काया। निर्मला 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 मना किया था, समझाया था, समझाया था कि विधवा धर्म का पालन कर, पर कम से कम जिंदा तो रहती आज। हाँ।
तेरी बहन भी खोदी मैंने, खोद खोद देख देख, इसलिए भड़काया था, इसलिए। बड़ा दुखद है ये सब कुछ नरोत्तम। प्रमोद जी, अब ये लोग तो रहे नहीं तो इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। हम मरने के बाद कैसा मनमुटाव, क्या दुश्मनी, कम से कम इनकी आत्मा को तो शांति मिले। चीता जी तो शांति से जीने नहीं दिया इन लोगों को, अब मरने के बाद क्या शांति दिलाने की बात कर रहे हैं? बाहर काला आप। पापा आई, निर्मला का अंतिम संस्कार हम करेंगे, पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ करेंगे। हाँ बाबा। नहीं निर्मला, नहीं। पर आप अभी अभी क्यों रोने का नाटक कर रही है? आप नहीं रोका था ना मैं? अरे नहीं रोकती ना तो आज दोनों के दोनों जिंदा होते। कसम खाई थी कि निर्मला तो मेरे हवाले कर देंगे, मगर वह आई आई शांत शांत आई आई है ना। आप इसकी इतनी सी बात समझ नहीं पाई आप? ये आपका बेटा, ये सारे लोग रिश्तों को, नातों को, भावनाओं को नहीं समझते। आपकी एक कसम को मानेंगे? नरोत्तम जोशी, सबूत सबूत नहीं है आज मेरे पास, नहीं तो अभी खींच कर जेल के अंदर करवाता। अब जब सबने याद कर लिया हो तो ये समझना आसान है, अगर अभय और निर्मला की मदद नहीं की गई होती तो उनकी शादी नहीं हुई होती और वो आज जिंदा होते। समझ गए ना आप? तो इस हिसाब से जिन जिन लोगों ने मदद की है उनके विवाह में, वो सभी दोषी हो गए। क्यों पुलिया, सबके सब दोषी हुए ना? और लो देखो कौन आ रहा है। तुम दोनों अंदर चले जाओ, इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। रुको भीम, देख रहे हो भीम सब का हो गया? अभय और निर्मला की मदद करे की कोशिश किए रहे हम, कुछ भला करे गए थे लेकिन अपराधी बन गए। अब क्या करें बताओ? बताओ काहे हुआ ये सब, क्या करें हम? जवाब दो। हाँ भीम जवाब दो। हाँ हाँ जवाब दो। आप लोगों ने जो महान कार्य किया है वो भुलाने योग्य नहीं है, याद रखिएगा।
आप लोगों के इस बलिदान को सदियों तक याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद किया जाएगा। निर्मला, मेरी बच्ची, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मार डाला मैंने तुझे, मार डाला। जोशी परिवार को हमारा समाज हमेशा सम्मान के साथ पूछेगा कि इन्होंने अपनी मान्यता के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। आप लोग सोचिए कि अपनी खुद की बहन को, अपनी खुद की बेटी को मान्यता कायम करने के लिए मार देना कोई छोटी बात है क्या? धन्य है आप लोग। प्रचंड देव जी और नरोत्तम जोशी जी दोनों ही हमारे आदर्श हैं और इन दोनों की सदा ही जय जयकार होती रहेगी। अरे देख क्या रहे हो, आओ मिठाई खाओ और शरबत भी पियो, बहुत अच्छा शरबत है। आओ आओ। बाबा बाबा आपने ने कहीं देखा क्या? नहीं तो होगा कहीं बाहर? नहीं बाबा, मैंने बाहर भी देखा, बाहर भी नहीं है वो। बाहर नहीं है तो मैं चौल के बाहर देख कर आती हूँ। मीरा मैं भी ढूंढ कर आता हूँ। हाँ तो फिर कहाँ है? कहाँ? ये चाय कौन पिएगा? नहीं पीनी थी तो बता देते ना, ये चाय पत्ती चीनी दूध पॉकेट में नहीं आता है। आई आप बोल तो ऐसे रहिए जैसे बाबा को पता था कि उन्हें भीमभाव को ढूंढने जाना है। लक्ष्मी आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, बात तो ऐसी कर रही है जैसे जीजाबाई तेरी सास नहीं तू जीजाबाई की सास है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा, आप ना तेल की तरह चाहे थोड़ी सी चिंगारी दिखे नहीं उसे भड़का के आग बनाने लगती है। मेरी भाभी से ढंग से बात करो। क्यों? तेरी भाभी कहीं की गवार ना रहे क्या? पहले उनको सिखाना ढंग से बात करने के लिए। आपसे बात की मैंने? हाँ जीजा भाई शांत हो जा। इन सब ने बहुओं की जुबान इतनी लंबी बना दी है, सिलने में वक्त तो लगेगा ही ना। भैया रमा इतनी काबिल और समझदार है कि वो कहीं ना कहीं से भीम को ढूंढ ले आएगी, आप चिंता मत करो। दोनों भाई बहनों को जो नाटक करना है करो, पीनी है तो पियो नहीं तो जाओ घर में। से क्या होगा, वो लौट कर आ जाएंगे क्या? नहीं ना। तो क्या करूं मैडम, क्या करूं? बेचैन हो गया हूं मैं, बार बार वो अभय जी निर्मला जी आंखों के सामने दिख रहे हैं, कि क्या करूं मैं? अब शांत हो जाइए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बस इतना ही कह सकती हूँ कि अभी हमें धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन धैर्य है तो ना ही है तुम लोग के पास। बहुत धैर्य से सोचे के पड़ी, आए को फैसला करे के पड़ी कि अब तुम दोनों जने क्या करोगे।
जैसे आपसे पहले दूसरे लोगों की जिंदगी में दखल देके उनका जिंदगी मुसीबत में डालत रहे वही करत रहोगे कि थोड़ा दूसरे तरीके से सोचोगे और दूसरों की जिंदगी में दखल देना छोड़ के उनके अपना जिंदगी अपने तरीके से जिए दोगे। पर ये नाटक वाटक बंद करो, तुम्हारा इतना खून नहीं है तुम्हारे शरीर में कि दूसरों का खून बहाकर उस पर अफसोस जता सको। और भीम, अब अफसोस जताने से क्या फायदा, क्योंकि ना ही अब अभय वापस आने वाला है और ना ही निर्मला। भीम, वो वापस आए या ना आए, आप लोगों को क्या है? आप लोग क्यों रमा और भीम के पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से, छोड़ दो इन्हें अकेला। हाँ, अकेले ही छोड़ने आए हैं इन्हें, कोई शौक नहीं है इनके साथ रहने का। खुलिया, जो हम सब ने तय किया है वो बता दो, काम धंधे भी हैं हमें। देखो भीम और रमा, हम सब जने आपस में मिलके बहुत सोचे विचारे और बात ये तय किए हैं कि अब से तुम दोनों जने चाहे कुछ करो, चाहे सही करो गलत करो, चाहे जो मन में आए सो करो, लेकिन हम लोग तुम्हारा साथ ना ही दे दे। आओ साहब, आओ, जाओ साहब के लिए चाय बना के लाओ, आइए बैठिए। थैंक यू। तो तुम लोगों ने नहीं देखा कि निर्मला को किसने मारा और कैसे मारा? नहीं सर, पता नहीं कौन थे वो दोस्त। तो आप तहकीकात करने आए हो? ना, तहकीकात करने नहीं आए, आगाह करने आए हैं। तैयार रहिएगा तुम दोनों जेल जाने के लिए। तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवा कर आया, सबूत भी मैं ढूंढूंगा तो तुम लोगों को पकड़ कर भी जेल में मैं ही डालूंगा। और आप अब जो प्रेम और ममता दिखा रही है, अगर यही प्रेम और ममता आपने उस दिन दिखाई होती तो शायद निर्मला आज हमारे बीच होती। 13 साल से मैं इंडिया में जॉब कर रहा, मैंने देखा है यहां पर लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है और उसी देवी का हाथ पकड़कर जबरन मुस्कुराने के लिए कहा जाता है। उसकी आंखों में बहने वाला आंसू कोई नहीं देख पाता। ऐसा होता है तुम जैसे लोगों का दोहरा चरित्र। अच्छा किया जो अपने विचार व्यक्त करने घर तक आ गए, फिर पता नहीं कभी मिलें ना मिलें। क्यों आगे क्यों नहीं मुलाकात होगी? क्योंकि बड़े साहब, ये आपके लिए चिट्ठी आई है। हमारा चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे? तुम हमारे लिए पोस्टमैन कब से बन गया? बड़े साहब जी, ऊपर से आई है। भी मैं मुंबई से दूर जा रहा हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हुआ नहीं है, करवा दिया गया है। तुम्हारा इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही शामिल नहीं था,
मैं भी शामिल था तुम्हारे साथ, और ये लड़ाई सिर्फ तुम नहीं हारा है, मैं भी हारा हूं। एनीवेज, जाने से पहले मैं बस तुम्हें ये कहने आया हूं कि तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता पर एक बहुत बड़ा दाग है, जिसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को दागदार बनाता है, और वो दाग है जातिवाद का। साहब, ये वजह हमें भड़काइए मत, वो उनकी सोच है, उनका मामला है, इसमें जात का क्या मतलब है? सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। सोचो, अगर जातिवाद की सीमाएं ना होती तो उनके पास भी भीम, दीपक की मां जैसे सोचने वाले लोग होते, और फिर शायद नतीजा कुछ और होता। जाति जब एक हो जाए तो कट्टरता खत्म हो जाएगी, और जहां कट्टरता ना हो वही समाज अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकता है। भीम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे देश से ये जात पात का समस्या खत्म होगा कि नहीं, और होगा भी तो कैसे। मैं तो बस ये जानता हूं कि इस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा हैं जो लड़ना जानते हैं, और आज मैं इस वीर योद्धा के लिए क्लैप करना चाहता हूं। सर, अगर योद्धा के हाथों से दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे योद्धा को युद्ध छोड़ देना चाहिए। मैं और लोगों की जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये युद्ध छोड़ रहा हूं सर। मुझे माफ कीजिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? रुकना आपकी फितरत नहीं है, पर रुकने से कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है क्या? नहीं ना, आपको चलना होगा, आपको हम सब के लिए चलना होगा। रमा, किसी के बदले कोई और चले और गंतव्य स्थान गलत हो जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। सब समझदार है, सबके पास अपने अपने पैर हैं, और वो पैर सही सलामत है, इसलिए सब अपने अपने बल पर चल लेंगे। मैं किसी के बदले नहीं चलूंगा। सर, कॉलेज खुलवाने से लेकर अभय जी और निर्मला जी की शादी कराने तक आपने मेरी बहुत मदद की है। आपके ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी चुका नहीं पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जिनको जाने दो, उसे मत रोको।
रमा, हम जा रहा है, लेकिन भीम को तुम बार बार ये याद दिलाते रहना कि उसके देश को, उसके समाज को। दीपक, चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे आई। क्या हुआ, क्यों नहीं खाना खाना तुम्हें? क्योंकि आज मन नहीं है मेरा खाना खाने का। मन नहीं है मतलब? क्या हुआ तुम्हारे मन को? आई, भीम भैया हार गए इसलिए। अरे भीम हार गया तो तू क्यों नहीं खाना खाएगा? दीपक की आई, देखा ना, इस छोटे से बच्चे के दिल में इतना जहर भर दिया है कि ये उसकी अंधभक्ति करने लगा है। अंधभक्ति नहीं है ये, भीम भैया मेरे गुरु है, उन्हें देखकर, सोचकर, समझकर उनका भक्त बनाऊं। अगर गुरु ही हार गए तो मैं कैसे जीतूंगा? देखा देखा ना दीपक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप चल के खाना खाएगा। चल के चुपचाप से खाना खा। नहीं खाना दीपक आई। चलो छोड़ दो आई। दीपक, अरे छोड़ो ना आई। क्या कर रही है जीजा भाई? कैसे गिन रही हूँ भाभी, मेरी गिनती मत भुलाओ। अरे बाहर चल के देख, इन पैसों की बदौलत कितना बदलाव हो रहा है। मतलब? अरे वो दीपक है ना, जो हर वक्त भीम भीम करता रहता है, उसकी माँ गुस्से में खींच कर उसे ऊपर ले गई, भीम का भूत उतारने। पैसों का असर हो रहा है मतलब? गिनने दो मुझे। भूत उतारना मतलब? मैं क्यों बताऊं? मैं क्या तेरी खबरी हूँ? योद्धा की पत्नी, जरूरी है जाना? वो उनके घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे। तुम अपने घर के काम देखो। अरे क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तू कुछ सोचना चाह रहा है मगर सोच नहीं पा रहा। खैर, तेरी बुद्धि तो चलेगी नहीं तो हम ही बता देते हैं। नरोत्तम के घर में जब तेरे चाल के लोग काम कर रहे होंगे ना, तो वहां केवल काम ही नहीं करेंगे बल्कि तेरे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाएंगे भीमराव। और आज तक तू ये चाल वालों को जो समझदारी की बातें समझाता रहा है, वो सारी समझदारियां झाड़ू के कचरे के साथ बुहार रहे होंगे। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपनी जात के लोगों को गलत करते हुए नहीं देख सकते, और नरोत्तम जोशी जो भी कर रहा है वो गलत है। नहीं भैया, मेरा अब किसी के भी जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने तरीके से जी लेंगे। और मेरा अगर वहां जाना किसी के लिए नुकसानदायक है तो क्यों जाऊं मैं वहां? लेकिन हां, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भाभी के साथ आप जो कर रहे हैं गलत है, वो सब मत कीजिए। फिर से वही। देखो भीम, अगर हमारे बीच मेरी पत्नी के अलावा बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है तो कल से मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो आप तय कीजिए,
लेकिन आप जब भी मेरे सामने आएंगे मैं आपकी पत्नी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी है। गलत कर रहे हैं आप, मत कीजिए। अभी अभी तो कह रहे थे सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, फिर मुझे क्यों समझा रहे हो, क्यों बता रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है? बदतमीज लड़की, ये क्या है? पैसे हैं, बिखरे हुए, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी मेरे पति को है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। रोज सुबह से शाम तक मैं, रमा, भीम भाऊ और बाबा इन्हें जोड़ने के लिए काम ढूंढते हैं, लेकिन जात के नाम पर दुत्कार ज्यादा और काम कम मिलता है। एहसान फरामोश, मदद का हाथ बढ़ाया था मैंने तुम्हारे सामने, दिए थे तुम्हें पैसे, ये लो पैसे, और अभी के अभी कोकण वापस जाओ, पहले आनंद का इलाज कराओ। याद नहीं तुम्हें तुमने क्या किया था? आपको पता है ना कि अगर इन पैसों से उनका इलाज करवाया, उन्हें पता चल गया तो वो मर जाना बेहतर समझेंगे। ये पैसे रखिए आप अपने पास। याद नहीं, ये ऐसे मेरे हाथ में थमा कर चली गई थी। अगर मेरे पैसों की मदद नहीं चाहिए तो हाथ क्यों लगाया मेरे पैसों को? तो क्या करती? ले लेती आपके ये पैसे और उन पैसों की मदद से आप मुझे भीम भाऊ और रमा के खिलाफ करने की कोशिश करती है ना? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं आई, वो चाल वाले वो होंगे उतने गिरे हुए, चाहिए ना चाहिए वो चाल वालों को खरीदिए। उनका ईमान तो इतना बिका हुआ है कि वो इन पैसों के खातिर भीम भाव के खिलाफ आराम से हो जाएंगे। चाहिए जाकर के उनकी प्रतिनिधि बनिए, मेरी नहीं। वो जो चाल वाले है ना, समझदार है, बेवकूफ नहीं है तुम्हारी तरह। उन्हें अपने परिवार का ख्याल है, उनकी खुशी का ख्याल है, इसलिए मेरे पैसे ले लिए उन्होंने। तुम्हें तो अपने पति की कुछ पड़ी ही नहीं है, इस रमा और भीम के पीछे पीछे फिरती रहती हो, कुछ ध्यान नहीं होता फिर तुम्हारा। पता है तुम्हें इस वक्त तुम्हारा पति किस हाल में है? पता है, मेरे पति है वो, मुझे पता है कि इस वक्त वो किस हाल में होंगे। गलती थी, इतने सालों तक मैं नहीं पहचान पाई आपको, नहीं पहचान पाई कि कैसी आई है आप, कैसी पत्नी है, कैसी सास है, और तो और कैसी इंसान है। और ये आपकी भाभी आलसी, ये सब होने के बाद भी किस्मत के धनी हो तुम लोग। ये विनय जी हैं, प्रणाम करो। प्रणाम। ये तुम सबको मौका दे रहे हैं विदेश जाने का, 5 साल एग्रीमेंट में विदेश जाओ, काम करो, पैसा कमाओ। 5 सालों में तुम लोग इतना पैसा कमा लोगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। विदेश चल जाओ और बाकी मर्दों को भी तैयार करो। कौन क्या कहता है यहाँ आकर मुझे बताओ, ठीक है? मालिक, सही में हम सब बहुत पैसा कमा करके आएंगे। ये लो हितेश, 5 साल वहां काम करके तुम इतना पैसा कमाओगी कि भीख में लड्डू नहीं लेना पड़ेगा, अपने पैसे से लड्डू खा पाओगे। ठीक है मालिक, हम सबसे विचार करके आपको बताते हैं। प्रणाम मालिक। सफाई हो जाएगी अच्छे से तब बताना। जोखू, अरे रात भर बैठ के ऐसे बतियाते रहोगे, चाचुस्की आते रहोगे कि घर भी चलोगे? अरे फुलियाता है, जाए यहाँ से। यहाँ ना बहुत खास बात हो रही हम लोगन के,
है, जब देखो तब पटर पटर करत चली आवत है। चल चल जाता है यहाँ से। हम क्या कहे, पूरी रात बैठ के बतियाते रहो, जा रहे हैं, हमें क्या करना है। भीमराव बस ध्यान मत देने लग जाना कि अपनी पत्नी से ऐसे बात करना गलत है। ना, ये कुछ नहीं बोलेगा। अरे कल ही तो कह रहा था कि अब ये दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे किसी के बीच में। चलिए बेचारा भीम है? तो सुनो, तो अब तैयारी करो विदेश जाने की। एक बार ये चौल वाले और उस भीमराव के परिवार वाले एग्रीमेंट की फांस में बनकर गिरमिटिया मजदूर बन जाए, फिर मैं इन्हें मजदूरी का मजा अच्छे से चखा दूंगा। भीम इधर। कॉलेज में शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया या नहीं? नहीं, नहीं पढ़ा रहा है कोई। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उन्हें समझा, उन्हें मजबूर करो ताकि वो पढ़ाना शुरू कर दें। और फिर तुम्हारी परीक्षा भी आने वाली है। अरे अजीब बाप है आप। बेटा कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बाबा अब मैं किसी के मसले में नहीं पड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप उसे उकसाए जा रहे हैं। आप ही नहीं चाहते कि वो शांति से रहे। मसला ये है। मसला किसी का नहीं है, ये मसला सिर्फ इसका है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो नुकसान भी इसका ही होगा, क्योंकि इस ग्लास में भीमराव अम्बेडकर ने दूध पिया है। और वो इसलिए नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बहुत खास है, सारी दुनिया से खास है। और ये खास वाला एहसास मैं अपने जीवन में गुमाना नहीं चाहती हूँ। रमा देखो, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात पूरी हुई नहीं है अभी। और आप वैसे योद्धा नहीं है जो कभी भी बीच में थककर बैठ जाए, या फिर लोग आपके नाम के साथ साथ योद्धा वोद्धा बोले। माओ की लड़ाई, सातारा की लड़ाई बंबई में आकर ऐसे दम नहीं तोड़ सकती है। और हाँ, आप जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते, आपको वैसे ही रहना होगा जैसे होने का सपना आपके बाबा ने देखा। भैया भाभी ने देखा है, बुआ ने देखा है, पाला भैया ने देखा है, और आपकी पत्नी रमा ने देखा है। देखा ही नहीं, रोज देखते आए हैं हम। नहीं बन सकते जैसे होने का सपना आपके सारे विरोधी रोज देखते हैं। सुनो भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा और ये रमा भीमराव को बोल बोलकर फिर से कहीं ऐसा ना बना दे कि ये भीमराव हम सब की जिंदगी में फिर से दखल देना शुरू कर दे, रमा, तुमने इतना सब कुछ कहा मेरे लिए, इसके बाद मेरा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा।
मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जाना है, शाम को आने में देर हो जाएगी शायद। आपको मेरी कसम है, अब जब तक कॉलेज के गुरुजी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। बाला भैया, मुझे पता चला कि आनंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कैसे तुम सब लोग उसके इलाज के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हो, पर कुछ हो नहीं पा रहा, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताने आया। उपाय? कैसा उपाय? मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। वहाँ पैसे भी अच्छे मिलेंगे और व्यवस्था भी अच्छी होगी। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहाँ चल सकते हैं, उसका इलाज भी वहाँ अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। मतलब घर परिवार से दूर रहना होगा? इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना, और हाँ, इस बात का जिक्र घर वालों से कभी मत करना। चलता हूँ मैं। हाथ धो लीजिए, खाना परोसती हूँ। क्या हुआ? चलिए खाना खा लीजिए। क्या खा लीजिए? बेटा बिना कुछ खाए चला गया, बहू कसम खाकर गई है कि जब तक भीम कॉलेज के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए राजी नहीं करेगा तक खाना क्या पानी तक नहीं पी। वहां आनंद बीमार है, लक्ष्मी रमा के पीछे पीछे गई है, और मैं सबका बाप होकर यहां खाना खाता रहा। पता मुझे खाना मेरे हलक से नीचे उतरेगा? आपके खाना ना खाने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मत खाइए खाना, लेकिन लक्ष्मी ने जो आनंद की बीमारी की हालत बताई है उसके अनुसार लगता तो नहीं है कि वो इतने जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर आप, वो आपका लाडला बेटा भीम, रमा, लक्ष्मी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जिससे इस घर में पैसे आए और आनंद का इलाज हो पाए, क्योंकि सब तो उस भीम की चिंता में लगे हुए, सब के सब। मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहाँ चल सकते हैं, उसका इलाज भी वहाँ अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। अगर गिरमिटिया मजदूर बनने से जीवन आसान हो जाएगा और भीम भाव, रमा, बाबा इनके सर से अपना बोझ भी हटा लेंगे तो मैं गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार हूँ। हो गई होगी बेहोश कहीं, अच्छा हुआ उस रास्ते से मैं जा रही थी, वरना कुछ हो जाता तो। रमा, रमा उठ बेटा, उठ 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 जा, उठ जा, आराम से संभाल के आ जा। ठीक है अभी? ठीक है ना? हाँ, पानी पी लेना। नहीं नहीं रमा, जिद मत कर बेटा। पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले। मैं पानी नहीं पी सकती। रमा, लो आ गया योद्धा। रमा, अरे देखो तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है। क्या हुआ तुम्हें रमा? भाभी ये क्या हुआ इसे? सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस चली गई धूप में काम ढूंढने, हो गई बेहोश, तो किसी की सुन भी नहीं रही है ये। ऐसा क्यों कर रही हो रमा? जिद मत करो, पी लो ना पानी, ये लो। रमा, मैंने और भीम ने कोशिश की है, हमसे जो सबसे अच्छा हो सकता है हमने किया है। अरे वकील साहब, कोशिशें मत बताइए,
नतीजा बताइए ना नतीजा। वो तो कसम खाकर बैठी है, जब तक शिक्षक इसे पढ़ाएंगे नहीं ना कुछ खाएगी ना पिएगी। इसलिए आप बताइए शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया या नहीं। रमा हमने पूरी कोशिश की है, बस नतीजा आना बाकी है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और सर ने अभी अभी कहा कि हमारी तरफ से सबसे अच्छा जो कर सकते थे वो हमने किया है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम। जिद छोड़ो, पानी पी लो रमा। देखिए रमा आराम करना, बैठ चुपचाप बैठी रहे। देखिए मैं आपको समझती हूँ, लेकिन मैंने जो सबके सामने कहा है उसका क्या, इन लोगों को कौन समझाएगा। मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं आपकी बात तब तक नहीं मान सकती जब तक आपकी कोशिश आपके पक्ष में परिणाम नहीं देती। तब तक ना ही कुछ